हरिओम, मैं प्रसाद सिंह चौबर, मैं एक एक्सेंचर नाम की आईटी कंपनी में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पद पे कार्यरत हूँ और ये है मेरी पत्नी अक्षता वीरा। और मैं और अक्षता वीरा दोनों श्री हरिगुरुग्राम में रेगुलर वॉलंटियर्स भी है। हरिओम, मेरा नाम अक्षता वीरा चौबर है और मैं एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। आज मैं मेरा अनुभव बताने वाली हूँ जो 31 दिसंबर 2010 को हुआ। मैं और मेरे पति नए साल के बारे में सोच रहे थे और मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि पिछले ही दिन मुझे श्री हरि गुरु ग्राम में मेरे जन्मदिन की आरती मिली थी और उसके साथ सदगुरु श्री अनिरुद्ध बापू जी का आशीर्वाद भी मिला था। तब मुझे ये नहीं पता था कि हम पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उससे पहले ही हमें हमारे सदगुरु का आशीर्वाद मिल चुका था। उस दिन सवेरे उठने के बाद मेरे पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। मैं और मेरे पति प्रसाद सिंह हम हमारे लोकल डॉक्टर के पास गए। उन्होंने हमें नींबू पानी और कुछ हल्का खाने के लिए कहा। मैंने थोड़ा बहुत खा लिया पर उसके बाद तुरंत ही मुझे उल्टियाँ और लूज मोशंस चालू हो गए। इसके वजह से मुझे इतना वीकनेस हो गया कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मैंने अक्षता वीरा की हालत देखी तो कुछ ही पलों में अक्षता वीरा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। इसलिए मैंने वैभव सिंह से कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि अगर हो सके तो कृपया ये बात परम पूज्य सुचित दादा तक पहुँचाइए। थोड़ी देर बाद मुझे वैभव सिंह का मैसेज मिला कि दादा ने कहा है कि अक्षता वीरा को उसके गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पारेख के पास ले जाओ। डॉक्टर पारेख का हॉस्पिटल खार में है और हम गोरेगांव में रहते हैं। करीबन 1-1.5 घंटे का फासला है। तो मैंने एक पल के लिए सोचा क्या मैं इसे गोरेगांव में ही किसी लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करूं। फिर मैंने सोचा दादा के शब्द ये तो सदगुरु आज्ञा ही है, मुझे उनका पालन करना होगा। इसलिए मैं और मेरे पिताजी जगदीश सिंह चौबर उसे खार ले गए। क्योंकि वो 31 दिसंबर था, कोई वार्ड बॉयज़ मौजूद नहीं थे और यह हॉस्पिटल एक पुरानी बिल्डिंग में है फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ लिफ्ट नहीं है, तो उसे अक्षता वीरा को सीढ़ियों से ही ले जाना पड़ा। कम से कम 30 से 40 मिनट लगे होंगे उसे 10 से 15 सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हर सीढ़ी पे उसे 3 से 4 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसकी हालत देख कर कहा कि इसे तुरंत एडमिट करना होगा और सलाइन लगाना होगा। उसके बाद डॉक्टर आए, उसकी मेडिकल जांच की गई और डॉक्टर ने कहा उसे गैस्ट्रो हुआ है। उसके दो तीन दिन गैस्ट्रो की ट्रीटमेंट चली और 3 दिनों में अक्षता की हालत काफ़ी सुधर गई, पर फिर भी उसके पेट में दर्द था। इसलिए डॉक्टर ने एक फाइनल कंफर्मेशन के लिए सोनोग्राफी मेडिकल टेस्ट की, जिसमें उन्हें एक बहुत बड़ा खून का गोला दिखाई दिया। वो गोला देखकर डॉक्टर भी चौंक गए और उन्हें कुछ डाउट हुआ, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल प्रेगनेंसी टेस्ट की, जिसमें यह आया कि अक्षता वीरा प्रेग्नेंट है। पर यह आम प्रेगनेंसी नहीं थी, ये एक्टॉपिक प्रेगनेंसी थी, मतलब गर्भधारणा गर्भाशय की जगह गर्भनलिका में हुई थी और ये बात माँ और बच्चा दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती थी। अक्षता वीरा का हीमोग्लोबिन भी 4.5 यानी 4.5 हुआ था, जो कि एक आम महिला के लिए 10 से 12 के बीच होना बहुत ज़रूरी है। यह डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मेरी कई सालों से यह आदत रही है कि कुछ भी अच्छी या बुरी बात हो, मैं हमेशा परम पूज्य सुचित दादा को मिलकर ये बात उन्हें बताता हूँ और दादा हमेशा कहते हैं डोंट वरी, हम तीनों हमेशा तेरे साथ है। तो दादा के मुंह से वो शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, क्योंकि उन 3 दिनों में मैं दादा से नहीं मिल पाया था। जैसे ही मैं डॉक्टर से मिलने उनके केबिन में गया, तभी उन्हें सुचित दादा का फ़ोन आया। डॉक्टर ने मुझे दादा से बात करने के लिए कहा। दादा के शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने दादा से एक ही सवाल किया कि दादा, आप हमेशा की तरह तीनों हमारे पीछे हैं ना। उसके बाद मैं कुछ दादा से बोल नहीं पाया। यहाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन की तैयारियाँ चालू हो गई। खुद डॉक्टर पवरस सिंह भी ऑपरेशन के लिए आ पहुँचे।
उन्हें देखकर हमारे हौसले बहुत बढ़ गए और डॉक्टर पौरसिया ने ये भी कहा कि परम पूज्य नंदाई और परम पूज्य सुचित दादा भी खुद ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर मैं, मेरे माता पिता जगदीश सिंह चौबर, शीलावीरा चौबर और मेरे सास ससुर अनुराधा वीरा पुजारी, रामकृष्ण सिंह पुजारी सब आश्वस्त हो गए। दादा और आई को देख के हमारे हौसले काफ़ी बढ़ गए। आई ने आते ही मुझसे कहा कि तू क्यों रो रहा है, अगर ये बात वहाँ होती जहाँ तुम दोनों अकेले थे तो तू क्या करता। शादी के बाद कुछ साल मैं और अक्षता वीरा US में थे जहाँ हम खाली दोनों थे, तो अगर ऐसी कोई बात वहाँ होती तो हमारी कठिनाइयाँ बहुत बढ़ जाती। मैंने आई से कहा ये तो आप ही की लीला है कि ये बात हम इंडिया आने के बाद हुई। फिर आई ने हम सबको हनुमान चालीसा का जाप करने के लिए कहा। आई मेरे पास आई और आई ने मुझे भी हनुमान चालीसा कहने के लिए कहा, पर मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मेरे मुंह से शब्द भी नहीं फूट रहे थे। आई ने मेरे मन की बात तुरंत जान ली और कहा, बेटी तुम ये जाप मन ही मन कर लो। आई और दादा ऑपरेशन ख़त्म होने तक वहाँ मौजूद थे और ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद डॉक्टर पौरसिया भी ऑपरेशन थिएटर में थे। वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि 2 से 3 लीटर अशुद्ध ब्लड निकाला गया और यह ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहा। जाते समय आई ने कहा कि माँ चंडिका ने ही अक्षता वीरा की जान बचाई है और मुझसे कहा जल्द से जल्द 108 बार राम रक्षा स्तोत्र, 108 बार हनुमान चालीसा स्तोत्र, 108 बार अशुभ नाशिनी स्तोत्र और 108 बार शुभमकरा स्तोत्र का पाठ करना, क्योंकि हम माँ चंडिका को शुक्रगुजार हैं। चाहे आई हो या बापू हो या दादा हो, वो हमेशा हर बात का क्रेडिट माँ चंडिका और भगवान दत्तगुरु को ही देते हैं। अक्षता वीरा की रिकवरी बहुत अच्छी थी। यह ऑपरेशन जनवरी 2011 में हुआ और उसी साल 2011 में मई महीने में हुए श्री वरदा चंडिका प्रसन्नोत्सव उत्सव में उसे 10 दिन सेवा करने का मौका मिला। और बापू ने मेरी पत्नी को जीवन दान दिया। जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा कि बापू हमेशा कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण करो और वो तभी करना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी संकट की तीव्रता इतनी होती है कि उस समय भगवान का नाम लेने का मौका ही नहीं मिलता। हम हमेशा अंबज्ञ रहेंगे और मेरी और अक्षता वीरा की बापू से यही प्रार्थना है कि हम हमेशा सद्गुरु चरणों में रहे। मैं अंबज्ञ हूँ, हम अंबज्ञ हैं।